मिले हैं अब सौरभ गांगुली से जो बीसीसीआई के चीफ हैं, आपको क्या लगता है कि इस गुप्त मीटिंग में क्या हुआ है? जो इतनी स्पेकुलेशंस चल रही हैं, जो इतने बड़े सारे स्टेटमेंट्स आए थे पूरे हफ्ते, राजीव आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है? व्हाट हैज हैपेंड बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स? मुझे तो लग रहा है दिवाली की मिठाई देने गए थे राजीव बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि दिवाली की मिठाई से बोल रहा हूँ कि बीसीसीआई एक तो चीफ बने, हो सकता है उनको बधाई देने गए हो, ये भी हो सकता है दिवाली की मिठाई जैसा मैं कह रहा हूँ, और ये भी हो सकता है कि अपनी रिटायरमेंट की बात भी करने के हो। तो स्पेकुलेशन है और स्पेकुलेशन तब तक रहेगी जब तक महेंद्र सिंह धोनी कुछ बोल नहीं देते आगे, और उनका जो वर्किंग स्टाइल रहा है ऋषभ पंत ने देखा है टेस्ट क्रिकेट, जब उन्होंने अलविदा कहा तो एक मेल कर दिया था, तो उनको कोई वो रिटायरमेंट मैच नहीं चाहिए, कोई उनको फेयरवेल मैच नहीं चाहिए, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, ये बात तो तय है। अभी आज एक वीडियो और देखा मैंने, दो दिन तीन दिन पहले का, जिम में बड़ा मेहनत कर रहे थे ऋषभ, और उससे थोड़ा पहले जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ड्रेसिंग रूम में भी आए थे उस दिन जब रवि शास्त्री ने भी एक फोटो कही थी, फोटो शेयर की थी, द लायन इज इन द डेन और समथिंग, और रवि शास्त्री ने बहुत अच्छे से बैक किया महेंद्र सिंह धोनी को। अभी दो दिन पहले दिवाली के ठीक पहले स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जो लोग बोल रहे हैं वो एक तो चुप हो जाए, क्योंकि ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी के, उनको फैसला वो खुद ले लेते, तो हम सब भी तो यही चाह रहे हैं कि उनका फैसला है और वो खुद ही लेंगे। अब दादा के आने के बाद देखिए थोड़ी सी परिस्थितियां चेंज हुई, अगर आप देखें ऋचा एम एस के प्रसाद आते हैं और उनका कहना है कि वो मूव कर चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी से, हम आगे की तरफ देख रहे हैं पीछे नहीं देखना चाहते, इस तरह का स्टेटमेंट है, ऋषभ पंत को एज अ विकेट कीपर वो देख रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो ये सारे बयानों को अगर मिलाए और फिर जिस तरह से खबरें आ रही कि दादा से जाके मिले धोनी, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट अगर आप उनके सामने जाकर अपनी बात रख रहे हैं तो अच्छी बात है, बट हम सब तो यही चाह रहे हैं कि बात रखें भी और बात क्लियर हो जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा है, क्योंकि जब डायलेमा में होता है, कैप्टन भी डायलेमा में, कोच भी डायलेमा में, ऋषभ पंत भी डायलेमा में होंगे, सैमसन भी होंगे कि अगर वर्ल्ड कप के लिए धोनी कहते हैं मैं अवेलेबल हूँ तो क्या हमको टीम में कंसिडर किया जाएगा, तो तैयारियां थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब रहती है, तो जितनी जल्दी चीजें पिक्चर क्लियर हो जाए उतना बेहतर। राजीव इस बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एज अ क्रिकेटर बीसीसीआई का प्रेसिडेंट होना कितना बेनिफिशियरी है गेम के? ये बहुत बेनिफिशियरी, अगर आप क्रिकेट खेले हुए हैं और क्रिकेट आपने कैप्टेंसी की है और उसके बाद आप जाके बीसीसीआई के कैप्टन बन गए यानी बीसीसीआई के बॉस, तो आपको सारी चीजें पता है फ्रॉम ग्रास रूट लेवल टू इंटरनेशनल लेवल, और उस रास्ते में यानी कि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, जो कई तरह की मुसीबतें आती हैं, कई परेशानियां, तो उनका हल आप पहले से निकाल सकते हैं, तो मुझे लग रहा है दादा के पास ये बड़ा ब्राइट चांस है कि वो इंडियन क्रिकेट को थोड़े से सही रास्ते पे ले जाए, सही दिशा में ले जाए, क्योंकि पिछले दो तीन साल से आपने भी देखा सीओए के पास था चार्ज, जो हमारे क्रिकेट संघ है उनको पैसे नहीं जा रहे थे, बहुत ही हालत खस्ता थी अगर हम क्रिकेट बोर्ड्स की करें, तो दादा के आने से ये बड़ा पॉजिटिव है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या वो प्लेयर्स को समझेंगे, जैसे कि वो विराट और रोहित को बुला के उन्होंने मिले, वो सेलेक्टर्स से मिले, फिर अब महेंद्र सिंह धोनी से उनकी मीटिंग की खबरें आ रही है, तो ये दर्शाता है कि वो बारी बारी से सबका जो एक्सपीरियंस है उसको ले रहे हैं, साझा कर रहे हैं, और उसके बाद वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। राजीव इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उनका सबसे पहला स्टेटमेंट था कि वो रणजी की तरफ देखेंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ, और पैसे एग्जैक्टली एलोकेट करे जाएंगे एंड देखे जाएंगे कि पैसे वहां पहुंचे एंड स्पोर्ट को बेसिक बेनिफिट पहुंचे, तो ऐसा लगता है कि ये डिसीजन बहुत अच्छा है, बिकॉज इम्पोर्टेंट है कि स्पोर्ट में जो रियल जो डोमेस्टिक क्रिकेट है जहां से रियली स्पोर्ट निखर के आता है और जहां भी रियल प्लेयर्स मिलते हैं वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए सबसे ज्यादा। बिल्कुल, और देखिए दादा के आने से एक और बड़ा फैक्टर हुआ कि आईपीएल की बहुत ज्यादा बात नहीं की उन्होंने, उनको पता था इंटरनेशनल क्रिकेट तैयार करने के लिए आपको 4 डे मैचेस को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डेज क्रिकेट खेलते हैं, डेज क्रिकेट में अगर आपका टेक्निक नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, और डेज क्रिकेट से आप T20 क्रिकेट में आते हैं वो इजी है वो सफर, लेकिन T20 से तैयारी करके आप अगर डेज क्रिकेट में जाएंगे तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और दादा इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए उन्होंने डेज क्रिकेट पे फोकस किया है, उन्होंने बोला भी कि हम रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक क्रिकेट के जो डेज मैचेस है उस पर फोकस करेंगे और उस पर सुधारने की कोशिश करेंगे। पिचेस के बारे में उन्होंने कहा पिचेस भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर सेंटर में अच्छी पिचेस तैयार करें, तो ओवरऑल अगर आप देखें प्लेयर्स से मिलना, ये जो क्रिकेट जो हमारे एसोसिएशन है उनसे बात करना, इन सबसे मिलकर काम जो कर रहे हैं उससे उसका फायदा तो निकलेगा, लेकिन अब हम हमारे इंडिया में क्या कल्चर बहुत जल्दी जल्दी हमें चाहिए सब कुछ, वो होता नहीं है, सिर्फ 10 महीने का टाइम है दादा के पास, और 10 महीने के टेनवर में पहले तो मेजर चेंजेस करेंगे, उसके बाद मुझे लग रहा है कुछ बड़े कदम भी वो उठाएंगे, और उन बड़े कदमों में से एक मुझे लग रहा है ये रिटायरमेंट वाले भी कुछ पॉलिसी लेके जरूर आएंगे, क्योंकि रिटायरमेंट को लेकर इंडियन क्रिकेट में हमेशा से बड़ा पंगा रहा है। वो तो बिल्कुल राजीव, हमने बहुत पहले रन आउट पे ये बात जरूर डिस्कस करी थी कि इंडिया जैसे ऐसे सोसाइटी ऑल्सो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने पैट्रियार्क को पावर देने में, एक से दूसरे के पास पावर
हटाने में हमें बहुत मुश्किल होती है। हाँ वो पॉलिटिक्स में भी देखते हैं, कोई अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। मैं और राजीव तो बड़े सिंहासन से छोटी चेयर पे आ जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है अपनी पोजिशन, अपनी पावर को इम्पार्ट करने में। और सेम चीज क्रिकेट में भी जाती है, हम देखते हैं कि हम एज क्रिकेट फैंस एंड क्रिकेट एक्सपर्ट्स ऑल्सो, राजीव मैं मानूंगी यहाँ पे, कि हम लोग को भी प्रॉब्लम होती है देखने के कि हमारे फेवरेट क्रिकेटर अब मैच नहीं खेले, हमें वो प्रॉब्लम होती है उन्हें वहां से एक कमेंटेटर के रोल में या एक कोच के रोल में देखने में डिफिकल्टी होती है। जी बिल्कुल, ऋचा देखिए बैटन पकड़ाना पड़ता है कभी ना कभी, अगर आप रिले रेस में भाग रहे हैं तो रिले रेस में आपको बैटन चेंज करना पड़ेगा तभी आप रेस पूरी करेंगे। तो अब टाइम आ गया कि बैटन पकड़ाया जाए, महेंद्र सिंह धोनी बैटन पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सिलेक्टर्स बताएं कि आपको किसको बैटन पकड़ानी, क्योंकि रेस में आप देखिए 3 विकेटकीपर आ चुके हैं ऑलरेडी, ऋतुमान शाह आ गए, ऋषभ पंत है, अब आप संजू सैमसन भी आ गए, ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, तो बैटन पकड़ने के लिए अब लोग तैयार है, बैटन आप छोड़ेंगे नहीं तो रेस पूरी नहीं होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बैटन को किस कदर कस के महेंद्र सिंह धोनी ने पकड़ा हुआ या धोनी को डिसाइड करना है। बहरहाल जो संकेत मिले जो मीटिंग से खबरें निकल गए, कल बहुत ट्रोल हुई है ये खबर कि दादा से मिल के आए धोनी और शायद मिलने का जो मकसद था वो हो सकता है रिटायरमेंट को लेके ही हो, बट राजीव वही बात होती है जैसे आप कह रहे ट्रोल हो रहे थे, अगर इंडिया के सब वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स, ओके, इंडिया के प्रेजेंट विकेट कीपर, इंडियन टीम के इतने महान प्लेयर, अगर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को मिलते हैं तो उसमें बड़ी बात क्या है, वो उनको राइट है मिलने की, अलाउड है और वो मिल सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि मतलब स्पेकुलेशन नहीं लगाना चाहिए, अगर वो मिले हैं वो आगे बोल भी सकते थे कि मैं गया था मिठाई का डिब्बा देने भाई दिवाली के लिए, मैं गले मिल गया, या बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की बधाई देने गया, तो दोनों भी चीज हो सकती है। महेंद्र सिंह धोनी को स्पेकुलेशन में मजा बहुत आता है फंडे में ओन रोल, तभी वो कहते हैं कि इनको जो सोचना है वो है उनका, वो उनकी सोचने का तरीका, अगर आप ट्विटर पे देखें 7-2 साल में कभी वो एक लाइन लिख देते हैं, इंस्टा पे बहुत ज्यादा वो है नहीं, उनकी जो पत्नी है वो ज्यादातर पिक्स या जो भी कुछ डालना होता है डालती, तो वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव भी नहीं, उनका फोन के बारे में भी कहा जाता है कि फोन अपने पास नहीं रखते हैं, जब वो खुद किसी से बात करना चाहते हैं तो करते हैं, आप महेंद्र सिंह धोनी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम है। आपको याद होगा जब वीवीएस लक्ष्मण को रिटायरमेंट अनाउंस करना था वो फोन कर रहे थे धोनी को, और ये बड़ा किस्सा मशहूर हुआ था कि फोन ही नहीं उठाया था महेंद्र सिंह धोनी ने। फिर एक और किस्सा हुआ था कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने फोन करने की कोशिश की, उनका भी फोन नहीं उठा, तो अल्टीमेटली वो बात यही आती है कि जो महेंद्र सिंह धोनी को किसी से मिलना है तभी हम तो वो तो बात एविडेंट है यहाँ पे कि वो मिलना चाहते थे सौरभ गांगुली से, तभी वो उनसे मिलने का, वो मिठाई देने का या कॉन्ग्रेचुलेट करने का या रिटायरमेंट कहते हैं वो तो महेंद्र सिंह धोनी बता सके, तो वो ये खुलासा तो होगा बाद में, बट हम बस यही होप करेंगे अल्टीमेटली राजीव के जो भी रिजल्ट आए वो पॉजिटिव ही हो महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी एंड इन टर्म्स इंडियन क्रिकेट के लिए भी। बिल्कुल।